कोरिया में छत्तीसगढ़ सरकार की गिरदावरी के बहाने किसानों का रकबा घटाने की कोशिश पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने सरकार से अपनी नीतियां बदलने की मांग की है। भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि भंडारण परिवहन के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछली बार भी धान परिवहन भंडारण के नाम पर किसानों के साथ अत्याचार किया गया था। शासन की इन्हीं गलत नीतियों से आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसीलिए भाजपा चुप नहीं बैठेगी। जो उन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था कि कर्ज माफ करेंगे, आज तक किसानों का कर्ज नहीं माफ हो पाया है। अभी भी बैंक के द्वारा नोटिस जा रहा है। जिन आदमी का वन अधिकार का पट्टा था, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन लोगों भी धान बेचते थे, उनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहा। आज किसान लोग जो अन्नदाता है उसके विषय में हम लोग ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखे थे और प्रदेश नेतृत्व में रखे थे। सिडनी के लखनऊ